सहकारिता बैंक में फंसे 3500 किसानों के 10 करोड़। सहकारिता आयुक्त कार्यालय में देर रात तक बैठे रहे मऊगंज जिले के विधायक प्रदीप पटेल। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने बताया कि मऊगंज जिले के 5 पैक्स द्वारा संचालित बचत बैंक के अमानतदारों के उनके पैसों का भुगतान इन पैक्स के द्वारा न किए जाने के कारण मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील के इन पैक्स के अमानतदारों में रोष व्याप्त है तथा इनके द्वारा लगातार इस संबंध में धरना प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के मेरे संज्ञान में भी मामला आया था। इस समस्या के बारे में उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा को समक्ष में बुलाकर चर्चा की गई। इस संबंध में उपायुक्त सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि मऊगंज जिले की 5 पैक्स गौरा, हरदी, हटवा, पटेहर, देवरा एवं टटिहारा द्वारा संचालित बचत बैंकों में जमा अमानतदारों की राशि का पैक्स के पास राशि न होने के अभाव में भुगतान बाधित हो रहा है। विधायक ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज कराना है, जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी है, जिसको लेकर के FD निकलवानी है, जिस वे लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण आज मुझे आना पड़ा है। नहीं है यहाँ पे ये बैंक में कुछ लोगों का पैसा जमा है FD, वो लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनके समर्थन उनके साथ। कितने लोग हैं और कितना पैसा? वैसे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग मुझे लगता है ये 10 करोड़ से ऊपर की राशि है और संख्या है लगभग एक जगह पे बचत खाते में 2732 लोग हैं और FD में 623 लोग हैं, यानी लगभग ये मान लीजिए 3,500 के लगभग लोग हैं। और उसमें आज मेरे पास, कल मैं गया था एक कार्यक्रम तो ये लोग मुझे मिले, आज मेरे घर में आए थे लगभग 15-20 लोग। उनसे मैंने बोला कि भाई मैं ऊपर बात करता हूँ, आप लोग चलो, तो वो लोग यहाँ आए थे, मैं भी आया हूँ, बातचीत अधिकारी लोग कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालेंगे। क्या मांग है इनकी? इनका ये है कि मेरा पैसा मिल जाए, क्योंकि किसी के घर में शादी है, 10-10 साल से पैसा मिल नहीं रहे, पैसा FD टूट करके खातों में डाल दिए, खाते में मिलेगा फिर भी नहीं मिल पाया, वो इनका कहना कि पैसा मिल जाए, जो जिनको जिनकी गलती है उनको दंडित किया जाए। लगे हैं अधिकारी, काम होगा। सुबह मैं 1 बजे आया, सुबह से बाकी पब्लिक बैठी है, सुबह से जरूर मैं 3 बजे से आया हूँ, यही अधिकारी से बातचीत चल रही है। अधिकारी भी बाहर बैठे हैं, आप बात कर लीजिए अधिकारी से, बात वो भी लगे हैं सब लोग। क्या कारण है कि मतलब बार बार ऐसी कोई त्रुटि हुई होगी, अब उस त्रुटि में हो सकता है कोई उसमें निगरानी नहीं हो पाई, इतनी बड़ी गलती हो गई। नहीं सर, देखने में आया है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आप ही को आके बैठना पड़ता है और ये तो संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का इसमें कुछ नहीं, आगे बैठे इसमें संघर्ष क्या है? नहीं, हम लोगों ने देखा है कि सुबह से आप बैठे। नहीं, जनता के लिए बैठना, जनता के लिए आना चाहिए। जनता अगर यहाँ आ रही है, मेरे को अधिकारी के साथ बैठ करके बातचीत करना, एक अधिकारी वर्ग की जिम्मेवारी नहीं बनती, मेरी भी बनती है कि बैठ करके उसका रास्ता निकालें, तो कोई कैसे उनका निदान हो पाए, तो ये मुझे लगता है कि करेंगे। मांग लेकर बैठे हुए क्या समस्या है? नहीं, मांग लेकर नहीं बैठे हैं माननीय विधायक जी, आज दोपहर में करीब 12:30 बजे हमारे कार्यालय में आए हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। उनका ये था कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी 6 पैक्स सोसाइटीज़ हैं, जिनने जो है किसानों ने अपनी FD जमा कराई और सेविंग बैंक में भी उनके पैसे जमा है। वो पैसा जो है, क्योंकि सोसाइटीज़ ने अपना जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से KCC के लिए उनकी लिमिट स्वीकृत होती है, उसमें उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया हुआ था, क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट रेट का था, तो उन्होंने बैंक को वो पैसा वापस कर दिया था थ्रू संबंधित जो है ब्रांच के द्वारा। अब वो इस टाइम जो है सोसाइटीज़ पास चूँकि राशि नहीं है उनके खाते में वापस देने के लिए, इसलिए जो है उनका भुगतान अभी अमानतदारों को नहीं हो पाया है।